क्या अभी खेलना चाहते हैं एपेक्स एजेंट अपने पुराने पुराने पीसी या लैपटॉप पे, पर आप नहीं खेल पा रहे। रीज़न क्या यार, मेरा पीसी इतना रद्दी है, मेरा एपेक्स एजेंट डाउनलोड तो हो जाता है बट वो रन नहीं हो पाता। तो दोस्तों आपको कोई भी टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं है, आपका भाई आपके साथ है तो डरने की क्या बात है। तो वेल गाइस, आज अपन इस वीडियो में यही देखने वाले कि कैसे हम एपेक्स एजेंट अपने लो एंड पीसी पे रन कर सकते हैं। उससे पहले मैं बता दूं कि जो भाई लोग एपेक्स एजेंट एक साथ डाउनलोड नहीं कर सकते उनके लिए मैंने पार्ट्स में कन्वर्ट कर दिया है। नीचे लिंक है, 900 MB के 22 पार्ट आपको डाउनलोड करने हैं, आराम से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो फटाफट से जाकर डाउनलोडिंग में लगा दो अगर आपको एपेक्स एजेंट अपने लो एंड पीसी पे खेलना है, ठीक है। और एक बात कि पैच फाइल का लिंक भी आपको वेबसाइट पे मिल जाएगा, आप वहां से डाउनलोड कर लेना, ठीक है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे भाई लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब कर देना। टेलीग्राम ग्रुप को तो एकदम ज्वाइन कर लेना लेटेस्ट अपडेट के लिए। एंड कुछ भी अगर आपको एरर आता है तो प्लीज़ इंस्टाग्राम पे आप हमें DM कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको इंस्टाग्राम का ID मिल जाएगा, जाके फॉलो कर लो। तो चलो फटाफट से अपने PC में चलते हैं, हम इसे इंस्टॉल करना। सबसे पहले आपको एक फाइल डाउनलोड करना एकदम कंपलसरी है। एंड उससे पहले यार मैं यहाँ पर मैं अपना सिस्टम रिक्वायरमेंट दिखा देना चाहता हूँ, वरना आप बोलोगे भाई तू हाई एंड स्पेक्स पे खेल रहा है। ये देखो मेरा सिस्टम रिक्वायरमेंट जिसमें मैंने PUBG PC लाइट प्ले किया था, वही मेरा उसमें हम एपेक्स एजेंट खेलने वाले हैं। एंड इसी में अपन फोर्टनाइट भी खेलेंगे, ठीक है। देख लिया, यहाँ पर सिर्फ रैम 4 GB है, बाकी सब एकदम लो है, ठीक है। तो सिंपली हम यहाँ कट करते हैं। एंड अगर आपके पास 3 GB तक का रैम है तो बिल्कुल आप एपेक्स एजेंट खेल सकते हैं। तो सिंपली आपको एक फाइल डाउनलोड कर लेना है, एपेक्स लेजेंड लो एंड PC, ठीक है। तो इसका लिंक मैं अपने वेबसाइट पे दे दूंगा, वहाँ से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आपको एपेक्स एजेंट पार्ट्स में डाउनलोड करना है, एंड 2 GB के पार्ट एंड 900 MB के पार्ट आपको मिल जाएंगे, तो यार जल्दी डाउनलोड कर लेना वरना नया सीजन का अपडेट आ जाता है, फिर आप बोलते हो भाई देखो अपडेट आ गया, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसे एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, किसी से भी एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, 7-Zip या WinRAR से। तो यहाँ कोई भी पासवर्ड नहीं है, ओके। तो यहाँ जो है हमारा एक्सट्रैक्शन कंप्लीट होता है, सिंपली हम इसे ओपन करते हैं। सो भाई जैसे ही आप ओपन करोगे यहाँ पर आपको एक फोल्डर मिल जाएगा एपेक्स एजेंट लो एंड PC, सिंपली से भी ओपन करना। तो सबसे पहले दोस्तों आपको CPU कोर को इंस्टॉल कर लेना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम डबल टैप करते हैं इसे, तो सिंपली यहाँ हमारा इंस्टॉल हो चुका है CPU कोर, सिंपली आपको फिनिश में क्लिक करना है। कुछ इस तरह से इंटरफेस रहेगा CPU कोर का। तो आपको कोर पैकिंग इंडेक्स आपको सभी ये तीनों को 100 कर लेना है, एंड सिस्टम पावर प्लान में अगर आपका परफॉर्मेंस आ रहा है तो परफॉर्मेंस सेलेक्ट कर लेना। यार मेरा तो है डुअल कोर है तो इसलिए मेरा बैलेंस में आ रहा है। एंड यहाँ पर अगर आप लैपटॉप से खेल रहे हो तो प्लग इन AC मतलब अडेप्टर लगा के प्ले करना, ठीक है। देख लिया आपने, तो सिंपली हम इसे अप्लाई कर लेते हैं यहाँ से, एंड यहाँ से अब इसे आप क्लोज कर सकते हैं, ओके। पर पे जाना है, यहाँ पर आपको सी क्लीनर करके आपको एक सॉफ्टवेयर दिखेगा, इसे भी आपको इंस्टॉल करना है। यहाँ पर हमारा सी क्लीनर सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है। अब आपको क्या करना है, आपको पहले ये सेकंड वाले ऑप्शन पे आना है, यहां से आपको स्कैन फॉर इश्यू पे आपको क्लिक करना है, ठीक है। सो वेल गाइस, सिंपली आपको यहाँ फिक्स सेलेक्ट इशू पे क्लिक करना है, एंड सिंपली आपको यहाँ पे नो क्लिक करना है, एंड यहाँ फिक्स ऑल सेलेक्ट इशू पे क्लिक करना है, एंड यहाँ से आपको क्लोज कर लेना। अब दोस्तों सिंपली आपको फर्स्ट वाले ऑप्शन जैसे देख सकते हैं क्लीनर दिख रहा है, सिंपली उसे टैप करना है एंड रन क्लीन में एक बार क्लिक करना है। जब भी आप गेम ओपन करें एपेक्स लेजेंड तो एक बार रन क्लीन हमेशा करना है, सिंपली हम यहाँ से कंटिन्यू में क्लिक करते हैं।
ओके तो यहाँ जो भी हमारा प्रोसीजर कंप्लीट होता है, जो भी हमें नेसेसरी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने था उन सब ने इंस्टॉल कर लिया हमने, तो सिंपली हम इसे कट करते हैं यहाँ से अब। एंड फिर से अपने को जाना है उस फोल्डर पे जहाँ हमने वो नेसेसरी फाइल्स एक्सट्रैक्ट करके रखा था, ये रहा। तो सिंपली दोस्तों यहाँ पर आपको CFG और कन्फिग और लॉन्चर ऑप्शन दिख रहा है, ठीक है। तो अब सबसे पहले आपको लॉन्चर ऑप्शन को करना है, तो इस लॉन्चर ऑप्शन को आपको ओपन करना है। तो यहाँ जितना भी आपको मटेरियल दिख रहा है सिंपली आपको पूरा कॉपी करना है एंड इसे हम कॉपी करते हैं और इसे भी मिनिमाइज कर देते हैं। एंड दोस्तों अब अपना ओरिजिन को आपको ओपन करना है। सिंपली ओरिजिन ओपन करने के बाद माई गेम लाइब्रेरी पे आना है आपको। तो यहाँ पर आपका जो गेम दिखेगा सिंपली आपको राइट क्लिक करना है। जैसे ही राइट क्लिक करोगे यहाँ पर आएगा गेम प्रॉपर्टीज पे जाना है आपको। यहाँ पर आपको थर्ड वाले ऑप्शन पे आना है, एडवांस लॉन्चर डिटेल। एंड जो हमने कॉपी किया था सिंपली आपको इसे यहाँ पर इसे पेस्ट कर दो। ओके एंड अब सेव कर दो, ठीक है। अब आपको फिर से इसे मिनिमाइज करना, अभी गेम ओपन मत करना। एंड अब आपको जाना है CFG पे, ठीक है। तो सिंपली इसे ओपन करो एंड इस फाइल को कॉपी करो। एंड दोस्तों अब आपको जाना है गेम के डायरेक्टरी पे, ठीक है। अब आपको नहीं पता भाई गेम का डायरेक्टरी कहाँ है, तो सिंपली आपके डेस्कटॉप पे आपको एपेक्स लेजेंड करके फोल्डर दिखेगा, राइट क्लिक करना, ओपन फाइल लोकेशन पे जाना। एंड यहाँ पर आपको भी CFG करके एक फोल्डर मिलेगा, सिंपली इसे ओपन करना। एंड जो हमने कॉपी किया था सिंपली आपको इसे यहाँ पर पेस्ट कर देना है। रिप्लेस मांगेगा, रिप्लेस कर देना। ओके और हमारा अब लास्ट स्टेप बचा है दोस्तों, तो फिर से हम उसी फाइल पे चलते हैं, फोल्डर पे चलते हैं जहाँ हमने जो भी हमारा नेसेसरी फाइल्स हैं, बैक करते हैं। अब अपन कन्फिग में चलते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर मैं कन्फिग के बारे में थोड़ा बता देना चाहता हूँ। यहाँ मैंने आपको दो कन्फिग दिए, एक लो एक सुपर लो। एंड सुपर लो उन लोगों के लिए है जिन पे लो नहीं चल रहा है, वो सुपर लो ट्राई करें, ठीक है। सुपर लो तभी ट्राई करें जब लो नहीं चल रहा हूँ, ठीक है। तो सिंपली यहाँ पर मैं सुपर लो करूँगा क्योंकि मेरा स्पेक्स एकदम रद्दी है दोस्तों, सही बता रहा हूँ। तो इसे आपको ओपन करना है, यहाँ लोकल्स मिलेगा, लोकल्स को भी ओपन करना। एंड ये जो वीडियो कॉन्फ़िग है सिंपली आपको इसे कॉपी करना है। अब आपको नीचे सर्च तक यहाँ पर आप टाइप हियर टू सर्च यहाँ पर जाना है आपको। यहाँ पर दोस्तों आपको परसेंटेज यूज़र प्रोफाइल लिखना है, ठीक है। परसेंटेज यूज़र प्रोफाइल, यूज़र प्रोफाइल, परसेंटेज यूज़र प्रोफाइल परसेंटेज यहाँ टाइप करना है। देख लो दोस्तों आपको यही टाइप करना है। एंड यहाँ पर आपको यूज़र प्रोफाइल आपका आ जाएगा, सिंपली इसे टैप ओपन करना है इस फोल्डर को। ओके यहाँ पर आपको सेव गेम्स पे जाना है, यहाँ एपेक्स पे जाना है, यहाँ पर आपको लोकल पे जाना है। एंड जो हमने वीडियो कॉन्फ़िग कॉपी किया था सिंपली अब हमको यहाँ पर इसे रिप्लेस करना है। ओके तो जितना भी हमारा नेसेसरी काम है वो सब कंप्लीट हो चुका है।
आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है हमारा एपेक्स लेजेंड चालू हो चुका है वो बिना हैंग बिना लैग के। एंड दोस्तों जितना मैं यहाँ पर मेजर कर पा रहा हूँ यहाँ पर मेरे को 30+ FPS मिल रहा है, मतलब यहाँ पर आप प्लेबल है। अगर इतना आपका सिस्टम रिक्वायरमेंट है तो आप आराम से एपेक्स लेजेंड 30 या 40 FPS पे खेल सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर आपको ग्राफिक्स थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा यार, अपने को गेम भी खेलना है ना। दोस्तों यही एक ट्रिक था जिससे आप एपेक्स लेजेंड अपने पुराने से पुराने PC या लैपटॉप पे खेल सकते हैं। आई होप दोस्तों कि ये वीडियो आपको पसंद आया। एंड दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज अपने फ्रेंड्स से शेयर करें जो इस गेम को खेलना चाहते हैं अपने लो एंड PC में। तब तक के लिए मैं मिलता हूँ एक और वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखना और अपने परिवार का ख्याल। लास्ट में बस इतना ही बोलना चाहूंगा दोस्तों, इस वीडियो को बनाने में जितना टाइम और मेहनत नहीं लगा दोस्तों, उतना टाइम आपको एक लाइक और शेयर एंड सब्सक्राइब करने में नहीं लगे। प्लीज दोस्तों लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।